चलो, अपने केमिस्ट्री के केमिस्ट्री में एक बहुत यूनिक एलिमेंट होता है, ठीक है? कौन सा एलिमेंट है आपके पास? कार्बन। तो कार्बन का एक बहुत यूनिक एलिमेंट है, वेरी यूनिक एलिमेंट। उसको यूनिक क्यों बोल रहे हैं? तो बात करें कार्बन का परसेंटेज, यानी कार्बन कितना अर्थ क्रस्ट में कितना पाया जाता है। इसका अर्थ क्रस्ट में परसेंटेज बहुत कम होता है। कितना होता है? 0.02% के आसपास होता है अर्थ क्रस्ट में, ठीक है? इसका अमाउंट काफी कम होता है। अर्थ क्रस्ट में अगर देखोगे तो अर्थ क्रस्ट में इसका परसेंटेज काफी कम होता है, कार्बन का अमाउंट काफी कम है। लेकिन ध्यान ना, तो कार्बन जो एलिमेंट है उसका अगर देखोगे तो जब कंपाउंड बनाएगा ना, इसका जो नंबर ऑफ कंपाउंड पॉसिबल होगा, तो नंबर ऑफ कंपाउंड जो पॉसिबल होता है बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? एक आप एक मैं समझा रहा हूँ कि इसका नंबर ऑफ कंपाउंड जो पॉसिबल होगा बिलियंस में होगा, बिलियंस में, ठीक है? तो बिलियंस में होने वाला है, बहुत ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करता है। आपके पीरियड टेबल में टोटल एलिमेंट कितना है? आपके पीटी में टोटल एलिमेंट होता है 118। तो 118 एलिमेंट आप देखोगे ना, तो 118 एलिमेंट जब आप देखते हो, इन सारे उनमें से एक एलिमेंट कार्बन है। कार्बन को हटा देंगे तो बचे कितना एलिमेंट? तो बचेगा 117, 117। यार 117 एलिमेंट मिलकर जितना कंपाउंड नहीं बनाएगा, उससे ज्यादा कंपाउंड बस कार्बन बना देगा आपके पास। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ज्यादा कंपाउंड बना सकता है, यानी बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स को क्रिएट कर सकता है। इसका नंबर क्या है? बिलियंस में है। इसका मतलब क्या है कि कार्बन इतना इतना इंपॉर्टेंट होता है कि कार्बन को हम अलग से स्टडी करते हैं, अलग से हम स्टडी करते हैं, ठीक है? तो अब जैसे केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, केमिस्ट्री में कार्बन के स्टडी के लिए ही एक ब्रांच बनाया गया है, टू स्टडी कार्बन इन कंपाउंड। हमारे पास एक ब्रांच बनाया गया है। ब्रांच क्या है? उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपका पूरा का पूरा केमिस्ट्री का एक ब्रांच ही कार्बन के डेडिकेटेड किया गया है। आपके क्लास 10th में एक चैप्टर बस आप पढ़ते हो, और जब आगे मूव करोगे एक पूरा ब्रांच ही है जो बस कार्बन कंपाउंड के लिए डेडिकेटेड किया गया है। तो आप सोच सकते हो कि कार्बन का इंपॉर्टेंस कितना है, कार्बन का इंपॉर्टेंस कितना है। इसलिए आपके क्लास 10th बुक में आप एक चैप्टर डेडिकेट किया गया है कार्बन के लिए, ठीक है? तो अगर बात करते हैं कार्बन कंपाउंड्स का, तो कार्बन बॉन्ड कैसे बनाएगा, ध्यान देना। तो कार्बन का जो कंपाउंड्स होता है क्या होता है? वो एसेसली कोवेलेंट होता है। कार्बन को देखोगे तो कार्बन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स, अगर कॉन्फिगरेशन चेक करते हो क्या होगा? 2n2 होता है, फिर 2n4 होगा। यानी अगर इसको नोबल गैस अचीव करना है, या तो उसके पास चार इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसको ऐड करना पड़ेगा, फोर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा, तो ये बनेगा C-4 बनेगा। या तो इसमें से क्या करेगा, चार इलेक्ट्रॉन आपको निकालना पड़ेगा, क्या बनेगा? C+4 बनेगा। अब ये दोनों बनना पॉसिबल नहीं है, दोनों अचीव करना, ये दोनों बनना क्या है? इम्पॉसिबल है, वेरी डिफिकल्ट। ये क्या है? वेरी डिफिकल्ट। यानी इसका मतलब क्या है? कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और नहीं इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ना गेन करेगा और नहीं लूज करके आयन क्रिएट करेगा, क्योंकि दोनों आयन बनना क्या बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है? तो कार्बन पास ऑप्शन क्या बचा? तो कार्बन जो है, तो कार्बन कार्बन क्या करना चाहता है? कार्बन क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। तो कार्बन जो होता है वो तो फॉर्म करता कंपाउंड, फॉर्म कंपाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना कंपाउंड को ये बनाता है, ठीक है? यानी कार्बन का जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है? मेनली क्या होता है? कोवेलेंट होता है। क्या होता है? कोवेलेंट। शेयरिंग करके जो बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोवेलेंट होता है, ठीक है? तो कार्बन बेसिकली क्या बनाता है? आपके लिए कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करेगा, ठीक है? तो शेयरिंग का तरीका आपको समझा चुके हम लोग, लेविस स्ट्रक्चर में समझा चुके हैं कि शेयरिंग कैसे करता है और शेयरिंग को आप कैसे दिखाओगे, ठीक है? तो बच्चों आप लोग समझ आ चुका है कार्बन का कंपाउंड्स क्या होता है? कोवेलेंट होता है, ठीक है? तो आखिर पॉइंट हम लोग ये जानना है कि आखिर कार्बन जो है इतना ज्यादा कंपाउंड क्यों फॉर्म करता है, ठीक है? व्हाई
कार्बन कैन फॉर्म सो मेनी कंपाउंड, सो मेनी कंपाउंड. इसका रीजन समझना, इसका रीजन आपको मैं डिस्कस कर रहा हूँ. पहला चीज होता है कि कार्बन का स्मॉल साइज, स्मॉल साइज के कारण क्या होता है, इसका जो बॉन्ड बनाएगा, जो बॉन्ड बनाता है, मान लीजिए कार्बन कोई बॉन्ड बनाता है किसी एलिमेंट ए से, क्योंकि कार्बन का साइज छोटा है, छोटा साइज है, तो जो बॉन्ड में क्या इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो बॉन्ड और कार्बन जो छोटा साइज का होगा, तो छोटे साइज में एक मान लो ये कार्बन का साइज हम दिखा रहे हैं, तो कार्बन का न्यूक्लियस में क्या प्रोटॉन होगा, ये प्रोटॉन क्या करेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो शेयर इलेक्ट्रॉन है, उसको अट्रैक्ट करेगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, एज हाई, एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई किस में, ऑन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होगा उससे आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, हाई होगा, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई ऑन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चेक. ये आपको याद रखना है कि आपको जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो हाई होगा ऑन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, चेक. इसलिए स्मॉल साइज के कारण क्या होता है, इसका जो बॉन्ड होता है ये बहुत स्ट्रांग होता है, तो किसी भी एटम के साथ कार्बन बॉन्ड आता है, जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग, बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग, चेक. पहला रीजन क्या होगा, स्मॉल साइज. स्मॉल साइज क्या होगा, तो कार्बन का बॉन्ड होगा वो बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, वो अगर बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो आपका जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, हाई होगा, और मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा, मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा. सिंपली बात करते हैं, कार्बन के पास बहुत एक यूनिक एबिलिटी होता है कैटनेशन का, कैटनेशन का मतलब होता है, बच्चे लोग कैटनेशन और वर्ड हम यूज करते हैं, इसका मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग, होता है सेल्फ लिंकिंग, यानी खुद से लिंक करने का प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग. सेल्फ लिंकिंग का मतलब क्या होता है, खुद से लिंक करने का प्रॉपर्टी, खुद से लिंक करने का प्रॉपर्टी को बोला गया है सेल्फ लिंकिंग. कार्बन जो होता है, कार्बन खुद से सिंगल बॉन्ड बना सकता है, आपस में सिंगल बॉन्ड बना सकता है, या कार्बन खुद से खुद में डबल बॉन्ड बना सकता है आपस में, या कार्बन खुद में ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, तीन टाइप का ये बॉन्ड आपस में बना सकता है. तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पॉसिबल है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पॉसिबल है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है, ठीक है. तो कार्बन खुद से लिंक कर सकता है, और ये बॉन्ड, इसका जो बॉन्ड होता है ये वेरी स्ट्रॉन्ग होता है. क्या होता है, दिस बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. ये बनाने में इसको और कोई मजा आएगा, मतलब प्रॉब्लम नहीं है, और ज़्यादा ये इजीली लिंक करेगा. बॉन्ड सर क्या होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है. अब यहाँ पर बस हम दो एटम को दिखा रहे हैं ना, ऐसा नहीं होता. यहाँ पे कार्बन जो अब लिंक करेगा ना, तो कार्बन बहुत ज़्यादा लिंक कर सकता है, मतलब यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आप मिलियंस ऑफ मिलियंस कार्बन को तुम एक साथ लिंक कर सकते हो, मिलियंस क्या, बिलियंस ऑफ बिलियन कार्बन उसे लिंक कर सकता है, ये चलते चला जाएगा, चलते चला जाएगा. तो लिंक करने का प्रॉपर्टी इतना ज़्यादा हाई होता है कि कार्बन खुद में एक लंबा चेन का मतलब बिलियंस ऑफ बिलियंस कार्बन एक साथ लिंक हो सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है इसका सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी. तो कैटनेशन का मतलब सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी होता है, और कार्बन का जो सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी है बहुत ज़्यादा हाई होता है, ये बहुत ज़्यादा उसके लिए एफिनिटी भी होता है, मतलब करना चाहता है, खुद से वो करना चाहता है, यानी खुद से आपस में लिंक करना चाहता है, ठीक है. तो अगर कार्बन का चेन हो सकता है, तो कार्बन का जब जितना ज़्यादा चेन पॉसिबल है उतना ज़्यादा आपका कंपाउंड बनेगा, उतना ज़्यादा आपको नया नया आप कंपाउंड बना सकते हो, ठीक है. तो अगला रीजन हो गया कैटनेशन का, यानी खुद से लिंक करने का प्रॉपर्टी, ठीक. उसके बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्या है, तो टेट्रावैलेंसी. तो कार्बन का देखोगे तो यार कार्बन के वैलेंस में कितना अटॉम होता है, तो कार्बन के वैलेंस में 4 अटॉम होता है. अब इसको अगर बॉन्ड, इसको अगर अपना 8 पूरा करना होगा तो कितना बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तो 4 बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है. अभी तो 8 पूरा होगा ना, यहाँ एक किधर बनाएगा, एक किधर बनाएगा, जैसे भी है 4 बॉन्ड उसको बनाना पड़ेगा. तो 4 बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, इसके पास बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकता है, जितना ज़्यादा उसको बॉन्ड बनाने का नीड होगा उतना ही पॉसिबिलिटी होगा, जितना पॉसिबिलिटी होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही आपका जो नंबर ऑफ कंपाउंड बनेगा वो ज़्यादा हो सकता है, कंपाउंड बनेगा तो ज़्यादा हो सकता है. तो ये आपके पास 3 रीजन है जिसके कारण कार्बन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड्स को फॉर्म करता है, ठीक है. तो ये आपको याद रखना है,
कार्बन का जो ये तीन रीजन है जिसके कारण इसका कंपाउंड का नंबर क्या होता है, काफी ज्यादा हाई होता है। ठीक है, अब क्या बच्चे लोग हमको क्या फोकस करना है, तो हमको फोकस करना है हाइड्रोकार्बन पे। मतलब आपके चैप्टर्स में हमको पहले फोकस करना है किस पे, हाइड्रोकार्बन पे। चेक ध्यान दोगे तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अगर हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है, देखो इसका नाम में ही आपको पता चल जाएगा, नाम में क्या बोला हुआ है, हाइड्रो एंड कार्बन, यानी हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन मतलब क्या, कार्बन, यानी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। अब ध्यान देना इसमें बहुत सारा पॉसिबिलिटी होता है, इसमें बहुत सारा पॉसिबिलिटी होता है, मतलब हाइड्रोकार्बन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का नंबर काफी लार्ज होता है। ठीक है, तो इसमें से मेरा स्टडी का स्कोप बहुत लिमिटेड है, मेरे स्टडी का स्कोप बहुत लिमिटेड है। चेक लिमिटेड स्कोप का मतलब समझोगे आप, लिमिटेड स्कोप का मतलब समझोगे, तो हाइड्रोकार्बन जो हमको पढ़ना है, तो हमको दो टाइप के हाइड्रोकार्बन पढ़ना है। ठीक है, मतलब हम बोल रहे कि हाइड्रोकार्बन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में हमको जो स्टडी करना है, हमको स्टडी करना है अल्केन के बारे में, हमको स्टडी करना है अल्किन के बारे में, और हमको स्टडी करना है अल्काइन के बारे में, अल्केन, अल्किन एंड अल्काइन। चेक अल्काइन हमको तीन के बारे में जानना है यार। इसके अलावा भी हाइड्रोकार्बन होता है, तो हाइड्रोकार्बन तीन ही नहीं होता है, तो हाइड्रोकार्बन का छोटा सा सबसेट का बात करें, इसके अलावा हाइड्रोकार्बन बहुत ज्यादा ब्रांचेज है, उसको नहीं पढ़ना है हमको, यहाँ पे सब नहीं पढ़ना है, तो इसके साथ बहुत सारे ब्रांचेज होगा, तो हमको बस छोटा सा सेवन पढ़ना है। छोटा सेवन क्या आपके पास है, अल्केन, अल्किन और अल्काइन, तो बहुत छोटा सा सेवन है जिसको हमको स्टडी करना है। ठीक, तो अल्केन, अल्किन, अल्काइन है मेरा, तो आप ध्यान देना इसका एक फॉर्मूला दिया गया है। फॉर्मूला क्या दिया हुआ, जो अल्केन, अल्केन के लिए अल्किन के फॉर्मूला दिया हुआ है कि अल्किन इस फॉर्मूला को फॉलो करेगा। क्या फॉर्मूला आपके पास है, तो अल्किन के लिए बोला गया एस कार्ब सी एन एच टू एन प्लस टू को फॉलो करेगा, ये हो गया अल्किन के लिए। अल्किन के लिए क्या बोला गया, तो अल्किन के लिए बोला गया है सी एन एच टू एन को फॉलो करेगा। ठीक, और अल्काइन के लिए क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, तो अल्काइन के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है सी एन एच टू एन माइनस टू को फॉलो करेगा, यानी आप सबका सारे का आपको जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है, सारे का आपको जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि सारे का आपको जनरल फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग आगे जब मूव करेंगे, तो एक छोटा सा आप लोग इसका नाम मैं कुछ देखने वाला हूँ, नाम के लिए आपको कुछ रूट वर्ड याद रखना है, मतलब इसका नाम कहाँ से ड्राइव हो रहा है, एक रूट वर्ड का मैं बात करूंगा। तो आपके पास जो नंबर ऑफ कार्बन होगा, नंबर ऑफ कार्बन होगा आपके पास, उसके बेसिस पे हम लोग रूट वर्ड उसका कुछ देखते हैं। ध्यान देना, अगर नंबर ऑफ कार्बन वन होता है तो इसलिए रूट वर्ड यूज करते हैं हम मेथ, मेथ वर्ड का यूज करते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन दो होगा तो उसमें हम लोग रूट वर्ड यूज करेंगे एथ, क्या यूज करेंगे एथ। अगर नंबर ऑफ कार्बन थ्री होगा तो हम रूट वर्ड यूज करेंगे प्रॉप। अगर नंबर ऑफ कार्बन चार होगा तो हम रूट वर्ड का यूज करेंगे ब्यूट। नंबर ऑफ कार्बन अगर पांच होगा तो हम रूट वर्ड का यूज करेंगे किसका, पेंट, क्या होगा पेंट। नंबर ऑफ कार्बन अगर छह होगा तो हम रूट वर्ड क्या यूज करेंगे, हेक्स। सात के लिए क्या बोला गया, हेप, एच ई पी टी हेप। आठ के लिए क्या बोला बच्चों, तो आठ के लिए बोला गया ऑक्ट, क्या बोला गया है ऑक्ट। ठीक है, नाइन के लिए बोला गया है नॉन, टेन के बोला गया है
डेप्थ, क्या बोला गया है डेप्थ, ये आपको रूट वर्ड पता होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन की वजह से रूट वर्ड होता है, ठीक। अब ध्यान देना, जब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन का, तो उसका एक नामों को लिखना पड़ेगा, नामों को लिखना पड़ेगा, ध्यान देना। जब भी नाम लिखते हैं तो बहुत सिंपल से तरीका आपको समझा रहे हैं, बहुत सिंपल से तरीका हम समझा रहे हैं। तो नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो IUPAC नेम, IUPAC नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा, और कौन सा जो हमको पढ़ना है, हम जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं अल्केन, अल्किन, अल्केन के लिए, उसमें उसमें दो चीज रहेगा, एक रहेगा रूट वर्ड रहेगा, रूट वर्ड रहेगा, रूट वर्ड के बाद रहेगा सफिक्स, सफिक्स वन, ठीक है। रूट वर्ड तो निकालना, रूट वर्ड कहाँ से आएगा, तो रूट वर्ड आएगा फिर नंबर ऑफ कार्बन से, कहाँ से आएगा, नंबर ऑफ कार्बन से आएगा, ठीक है। रूट वर्ड कहाँ से आने वाला है, नंबर ऑफ कार्बन से आने वाला है। और सफिक्स कौन कहाँ से आने वाला, तो ये आएगा जिस फैमिली कब से आएगा, यानी अगर आपके अल्किन फैमिली का है, अल्किन फैमिली का लास्ट का लेना AN, यानी इसको आपको ले लेना है, इसको ले लेना है AN को, यानी अल्किन रहेगा तो उसको उसका रूट वर्ड होगा AN होगा, क्या होगा, सॉरी सफिक्स वन क्या होगा, AN होगा। अगर अल्किन फैमिली का होगा, अल्किन फैमिली का लास्ट का तीन वर्ड क्या होता है, देखो अल्किन का लास्ट तीन वर्ड होता है ENA, क्या होता है आपका EN, यहाँ पर लेना आप ENA लेना, क्या लेना आप, चलो आप ENA को ले लो, और यहाँ अल्काइन, अल्काइन फैमिली क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका सफिक्स हो गया, ये आपको सफिक्स लेना है, तो सफिक्स किससे किसे चूज करोगे, तो किस फैमिली का उस पर डिपेंड करेगा, किस फैमिली का उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे आपको सोचे चलना है, ध्यान ना, जो हाइड्रोकार्बन होता है ना, तो हमको जो पढ़ना है, जाना हमको जो पढ़ना है, जो भी हाइड्रोकार्बन को पढ़ना है, तो उसको मैं दो कैटेगरी में बांट रहा हूँ। कुछ हाइड्रोकार्बन क्या होता है, सैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं बच्चे लोग, जिसमें कार्बन कार्बन का बॉन्ड हमेशा सिंगल होगा, यानी कार्बन में सिंगल ही बॉन्ड हमेशा होगा, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से लिंक होगा, ठीक है। तो ऑल कार्बन, सारा बॉन्ड में क्या होगा, कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक। कुछ हाइड्रोकार्बन को बोला गया है अनसैचुरेटेड, क्या बोला गया है, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड किसको बोला गया, चलो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोला गया है, जिसमें जिसमें आपका कार्बन कार्बन का बॉन्ड में या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसको, या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम रखेंगे किसमें, तो अनसैचुरेटेड प्लांट डालेंगे, अनसैचुरेटेड एरिया में उसको डालने वाले, ठीक है। अब ध्यान देना, हम जो पढ़ने वाले उसमें क्या पढ़े थे, तीन फैमिली पढ़ने वाले हैं, अल्केन, अल्किन और अल्काइन। ध्यान देना, अल्किन फैमिली आपका होता है इसमें, यानी आपका जो अल्किन फैमिली आएगा आपके सैचुरेटेड वाले में आएगा, यानी अल्किन जो फैमिली होगा उसमें हमेशा क्या होगा, उसमें हमेशा आपका कार्बन कार्बन क्या होगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। और अनसैचुरेटेड कैटेगरी में आपका होगा अल्किन एंड अल्काइन, क्या होगा, अल्किन एंड अल्काइन, तो अल्किन में डबल बॉन्ड होता है, आपके अल्किन फैमिली में क्या होगा, डबल बॉन्ड होता है, और आपके अल्काइन फैमिली में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। फिर से बात करें हम लोग, आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन में, कौन सा फैमिली है? अपने काम का जो फैमिली है उसमें कौन सा फैमिली इसका पार्ट रहेगा, आपका अल्केन फैमिली इसका पार्ट रहेगा, ठीक। अगर हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का उसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा तो उसको हम रखेंगे अल्किन का पार्ट, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसको हम अल्काइन डाल देंगे, उसको हम अल्काइन डाल देंगे, ठीक है। लेकिन दोनों दोनों का नेचर क्या है, तो दोनों है अनसैचुरेटेड, दोनों है अनसैचुरेटेड, क्या है, दोनों है अनसैचुरेटेड, ठीक है।
तो दोनों को हम बोलेंगे, दोनों क्या है, अनसैचुरेटेड। ठीक है, ये रहेगा आपका क्लासिफिकेशन दो टाइप का। तो सबसे पहले हम चलते हैं अल्किन फैमिली पे, सबसे पहले हम चलते हैं अल्किन फैमिली पे। अल्किन कैसा है, अल्किन है आपके लिए सैचुरेटेड, अल्किन है सैचुरेटेड। ठीक है, तो अल्किन फैमिली ध्यान देना, अगर हम अल्किन फैमिली अगर बात करते हुए चलो, तो सबसे पहले हम मूव करें अल्किन फैमिली पे। अल्किन फैमिली, अल्किन फैमिली में देखोगे ये क्या होता है, ये होता है सैचुरेटेड। क्या होता है सैचुरेटेड, क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। इसका इसका फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2। इसमें जो n का वैल्यू है, n का वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होता है, n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसका पहला मेंबर क्या होगा, n का वैल्यू 1 पुट कर क्या जाएगा, CH4। ठीक है, दूसरा मेंबर क्या हो जाएगा, C2H6। तीसरा मेंबर क्या हो जाएगा, थर्ड मेंबर C3H8। फिर क्या होगा, C4H10। फिर क्या होगा, C5H12। फिर क्या होगा, C6H14। फिर क्या होगा, C7H16। अब इनका नाम लिखना होगा, तो नाम ध्यान देना, CH4 में देखोगे नाम क्या बचा होता है, इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या लिख दोगे आप, एक कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, मिथ होता है। और चूंकि अल्किन फैमिली है तो इसमें सफिक्स क्या लगाएंगे, एन, क्या बोलेंगे, मीथेन। क्या बोलेंगे, मीथेन। C2H6 में क्या है, इसमें दो कार्बन है, तो इसके लिए आप रूट वर्ड क्या यूज करोगे, इथ। और फैमिली कौन सा, अल्किन, अल्किन है, तो इसके लिए आपका सफिक्स क्या होगा, एन, इथेन। फिर क्या है, तीन कार्बन तो क्या होगा, तीन कार्बन का रूट क्या होता है, प्रोप। और इसका रूट वर्ड क्या होगा, एनी, तो क्या नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपेन हो जाएगा। ठीक, अगर बात करते हैं C4H8H10 का, तो इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा ब्यूट एनी, तो क्या होगा, ब्यूटेन। ठीक, C5H12 का बात करते हैं, तो नाम क्या हो जाएगा, तो C5 मतलब 5 मतलब पेंट, और एनी, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। C6 में क्या बोलेंगे इसको, हेक्सेन। C7 से नाम क्या रखा जाएगा, तो हेप्टेन रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा, हेप्टेन रखा जाएगा। सिमिलरली बात करें हम लोग C8H18, इसका नाम क्या रखेंगे, तो इसमें 8 कार्बन है, तो क्या रखेंगे, ऑक। रूट वर्ड इसका रूट वर्ड हो जाएगा ऑक, ऑक्टेन। C9H20, तो क्या हो जाएगा, एमोनियम। ठीक है, C10H22, इसको बोलते हैं डेकेन, क्या बोलते हैं, डेकेन। ये आपका मीथेन का 10 जो फैमिली में पॉसिबल है उसके नाम आपके सामने में लिख दिया। ठीक है, नाम बहुत आसान था आपको, रूट वर्ड तो याद हो चुका होगा, रूट वर्ड किससे आता है, नंबर ऑफ कार्बन से हम लोग सीख चुके हैं। रूट वर्ड के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया था, रूट वर्ड के लिए यहाँ पे लिस्ट बताया हुआ है, रूट वर्ड कैसा था वो समझ आ चुका है। बस आप क्या करोगे, आप उसको सफिक्स लगा दोगे तो आपका क्वेश्चन बनते चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका मीथेन, इथेन, अल्केन फैमिली का 10 मेंबर का लिस्ट आपके सामने पॉसिबल। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसका नाम पता होना चाहिए, तो दोनों चीज़ बहुत आसान है, दोनों चीज़ क्या है, बहुत आसान है। अगला पॉइंट होता है इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अब देखो 28 मेंबर क्या करते हैं, शुरू का जो 6 मेंबर है ना, इस 6 मेंबर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखते हैं। ठीक है, एटलीस्ट हम लोग का टाइट क्या रहेगा कि शुरू का जो 6 है पॉसिबिलिटी, उसका हम लोग फिगर ड्रॉ करना सीखेंगे, अपना फोकस ये रहेगा। ठीक है, शुरू का 6 का हम लोग फिगर ड्रॉ करना सीखते हैं ना, है ना, हाउ टू ड्रॉ बॉन्ड लाइन डायग्राम, बॉन्ड लाइन एक सेकंड चलो, बहुत ड्रॉ बॉन्ड लाइन डायग्राम ऑफ अल्किन फैमिली, ऑफ अल्किन फैमिली, ध्यान रखना। ठीक है,
आपके सामने मैं एक दो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? और देखो ध्यान से, जैसे बात करते हैं सी एच फोर का, तो सी एच फोर मेरे एक कार्बन हो गया, और बाकी क्या उसको हाइड्रोजन से लिंक करना, तो हाइड्रोजन से आप जोड़ते चले गए, तो बन गया आपका सी एच फोर का फिगर। ये आसान था, और ध्यान देना। और बात करते हैं सी टू एस सिक्स का, तो सी टू एस सिक्स में देखो पहले कार्बन को जोड़ लो, क्योंकि आप अल्केन फैमिली में हो, अल्केन फैमिली में क्या होता है, आपका अल्केन फैमिली में कार्बन कार्बन कैसे लिंक होता है, अल्केन में कार्बन कार्बन हमेशा क्या होगा सिंगल बॉन्ड होगा, आपको तो पता है। सी टू एस सिक्स में क्या होगा, तो पहले आप कार्बन को जोड़ लो, तो कार्बन को हम जोड़ लिए पहले, तो पहले हमेशा कार्बन को जोड़ लेना, और आपको पता है कि कार्बन चार बॉन्ड बनाएगा, तो आपका लेफ्ट कार्बन में एक बॉन्ड बना हुआ है, तो बचा हुआ तीन बॉन्ड किससे बनाएगा, तो उसमें बचा हुआ बॉन्ड में आप हाइड्रोजन जोड़ देना, बचे हुए बॉन्ड में आप हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। जहाँ भी आपका चार बॉन्ड पूरा करना है, तो सारा बॉन्ड में आप हाइड्रोजन को जोड़ देना, ये बन जाएगा आपका इथेन का फिगर, ये बन जाएगा आपका इथेन का फिगर, ठीक है? बात करते हैं अगला फिगर पर, चलो प्रोपेन का, तो सी थ्री क्या होगा, एच एट होगा, तो पहले क्या करना, कार्बन कार्बन को जोड़ ले, तो कार्बन कार्बन जोड़ लो पहले, चेक जोड़ लिए। अब और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, अब क्या होगा, बचा हुआ जहाँ जहाँ पे कार्बन उसको आठ, उसका चार बॉन्ड पूरा करना है, चार बॉन्ड पूरा कैसे, बॉन्ड पूरा कैसे करोगे, तो हाइड्रोजन को जोड़ के कर सकते हो, तो हाइड्रोजन को जोड़ के कर सकते हो, जोड़ देना हाइड्रोजन, ये हो गया। बीच वाले कार्बन का दो बॉन्ड हुआ है, तो बचा हुआ दो बॉन्ड में हाइड्रोजन जोड़ देना। राइट वाला कार्बन में क्या है, ऐसा भी हो सकता है, ये बन गया प्रोपेन का फिगर, ठीक है? ध्यान देना, आगे थोड़ा समझना आप थोड़ा सा। अगर हम बात करते हैं ब्यूटेन का फिगर, ब्यूटेन यानी सी फोर क्या है, एस टेन, ये होता है ब्यूटेन। अगर इसका हम फिगर ड्रॉ करें, तो ध्यान देना इसमें इसका क्या करना आपको, तो इसमें एक तो ऐसा हो सकता है चारों कार्बन सिंगल बॉन्ड लिंक कर दिए, बचा जगह क्या कर दिया, बचा जगह हाइड्रोजन जोड़ दिए, ये आपका ब्यूटेन हो गया, ये आपका ब्यूटेन हो गया। ये आपका ब्यूटेन का फिगर बना लीजिए, ठीक है? हम बात करते हैं सी फाइव एस्टेन का, अगर इसको बोलते हैं पेंटेन, पेंटेन का फिगर कैसे ड्रॉ करना, चलो सिंपली है, सिंपली क्या करना, चलो आप लोग को पांच कार्बन कर लेंगे ड्रॉ कर लिए, ठीक है? तो बस जहां जहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन को जोड़ना है और कार्बन का चार वैलेंसी को पूरा कर देना है, जहां पे कार्बन का चार वैलेंसी पूरा नहीं है वहां पे हाइड्रोजन को जोड़ दो, तो लेफ्ट वाले में कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा, तीन हाइड्रोजन जुड़ेगा, उसके बाद वाले कार्बन पे दो हाइड्रोजन जोड़ना है आपको, फिर यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे भी तीन हाइड्रोजन राइट वाले पे, ठीक है? तो हो जाएगा पेंटेन का फिगर। अगर बात करते हैं हम किसका, हेक्सेन का, हेक्सेन का फॉर्मूला क्या था, सी सिक्स एच फोर्टीन हेक्सेन, इसमें भी क्या करना है आपको, छह कार्बन को जोड़ देना है, सब में सिंगल बॉन्ड रहेगा, बहुत आसान काम करना, कोई दिक्कत नहीं आप लोग को, हो जाएगा आप से, ठीक है? मतलब छह कार्बन को हम जोड़ लिए, अब सारे कार्बन का चार बॉन्ड पूरा करना है, जो बचा हुआ बॉन्ड से वो कौन सेटिस्फाई करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा हाइड्रोजन, तो लेफ्ट वाले पार्ट पर कितना हाइड्रोजन जोड़ोगे, तो चार हाइड्रोजन को जोड़ना, सॉरी तीन हाइड्रोजन को जोड़ोगे, बीच वाले में दो हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पर भी कितना जुड़ेगा, दो हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पे भी कितना जुड़ेगा, दो हाइड्रोजन जोड़ना, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, यहाँ वाले पे कितना हाइड्रोजन होगा, यहाँ वाले पे आपका तीन हाइड्रोजन होगा, ठीक है? ऐसा फिगर को आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? इसी से हम लोग अल्केन फैमिली का फिगर ड्रॉ करना सीख गए, ठीक है? नेक्स्ट सेशन में हम लोग जब लेंगे तो उसमें सीखेंगे कि ब्रांचिंग कैसे करते हैं, ठीक है? ब्रांचिंग कैसे करेंगे और कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमर्स, आइसोमर के बारे में क्या होता है उसको सीखना होता है, और हम लोग अल्किन अल्काइन का फिगर भी ड्रॉ करना पैरेलली साथ में सीखेंगे, ठीक है?